हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन लर्न विद इतिमन। केंद्रीय विद्यालय बिलासपुर से वैकेंसी आई है शिक्षक भर्ती की। पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी सभी सब विषयों की वैकेंसी निकाली गई है। सभी राज्यों के कैंडिडेट यहां पर आवेदन कर सकते हैं। बिना अनुभव के आप लोग यहां पर शिक्षक बन पाएंगे। जल्दी आवेदन करना होगा क्योंकि ज़्यादा समय नहीं आप लोगों के पास। और यहाँ से जो नोटिफिकेशन आया है केंद्रीय विद्यालय बिलासपुर से, तो एक बात जो है वो आपके लिए बहुत अच्छी यहाँ पर निकल के आई है। कोई फीस नहीं लगेगी एप्लीकेशन के समय। तो चलिए मेन वेबसाइट पर जाकर सारी चीजें डिटेल में देखने वाले हैं। तो ये जो है कंप्लीट नोटिफिकेशन है जिसको हम अच्छे से देखने वाले हैं। केंद्रीय विद्यालय बिलासपुर से वैकेंसी है। रजिस्ट्रेशन का समय जो है आप लोगों के पास ज्यादा समय नहीं है, मैंने आपको बताया 26 सितंबर 8 बजे से 9 बजे के बीच में रजिस्ट्रेशन होगा। तो आप लोग अपने डॉक्यूमेंट के साथ में, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ में और उनकी जीरोक्स कॉपी के साथ में स्कूल में समय पर पहुंच जाना है। अच्छी बात क्या है यहाँ पर, तो अभी हम देखेंगे। इंटरव्यू का शेड्यूल जो है रहेगा 26 सितंबर को पीजीटी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स और टीजीटी में एसएसटी और इंग्लिश। पीआरटी में सभी सब्जेक्ट के लिए जो है इंटरव्यू इसी दिन रहने वाला है। सैलरी थंबनेल में भी मेंशन मैंने कर दी है। पीजीटी 27,500 पर मंथ, टीजीटी 26,250 पर मंथ, पीआरटी 21,250 पर मंथ मिलने वाली है। एप्लीकेंट्स आर डायरेक्टेड टू डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म। तो आप लोग सीधे डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म और नोटिफिकेशन इसकी मेन वेबसाइट पर जाकर विद्यालय की। और ये लिंक मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी, vilaspur.kvs.ac.in। लिंक आपको कहाँ मिलेगा कई स्टूडेंट्स पूछते हैं, तो वीडियो आप देखते हैं उसके नीचे होता है डिस्क्रिप्शन, तो उसी बॉक्स के अंदर बहुत सारी चीजें आपको लिखी मिलेगी। नीचे तक आप लोग देखते जाएंगे तो आपके सामने जो है लिखा होगा लिंक, तो वहीं पर आप लोगों को जो है स्कूल की मेन वेबसाइट का जो लिंक है वो मिल जाएगा। तो उस पर आप डायरेक्ट क्लिक करके और पहुंच सकते हैं मेन वेबसाइट पर। उसके बाद अनाउंसमेंट सेक्शन में आना है, वहीं पर आप लोगों को नोटिफिकेशन और एप्लीकेशन फॉर्म दोनों मिल जाएगा। तो आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेना है, भर लेना है और दिए गए समय पर जो है इंटरव्यू के लिए पहुंचना है ओरिजिनल और जीरोक्स कॉपी लेकर। कैंडिडेट आर टू ब्रिंग वन सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड जीरोक्स कॉपी। ओरिजिनल तो लेके जाना ही है, साथ में जीरोक्स कॉपी जो है आप लोग एक सेट बना लें और साथ में लेके जाएं। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर सभी मार्कशीट आप लोग लेकर जाएंगे। देखो अब यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात जो है यहाँ क्या लिखी हुई है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर वैकेंसी है, आप सभी जानते हैं, क्योंकि अभी परमानेंट वैकेंसी केवीएस की नहीं आई है। यहाँ लिखा है द पोस्ट इज प्योरली ऑन टेम्परेरी बेसिस फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ वन ईयर। एक साल का जो है कॉन्ट्रैक्ट रहता है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा, 31 मार्च 2024 तक चलेगा, ठीक है। और यहाँ पर ये लिखा है कि जब तक रेगुलर वैकेंसी नहीं आती है, रेगुलर वैकेंसी की जो पोस्ट है वो नहीं भर जाती है, तब तक जो है वो आप लोग यहाँ पर बने रहेंगे। जब तक जो है इनको जरूरत रहेगी तब तक आप वहां पर बने रहेंगे। और अभी जो है परमानेंट वैकेंसी आई नहीं है तो ये पोस्ट जो है वो खाली रहेंगी। तो इसका मतलब ये है कि 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद जो है अगर आपका काम भी बहुत अच्छा रहता है तो ये आपको जाने नहीं देंगे और नेक्स्ट ईयर फिर आप जो है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो है दोबारा से आपकी पोस्ट को रिन्यू कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज जो है वो अलग से यहाँ पर मेंशन कर दी गई है। टिल रेगुलर इनकम्बेंट ज्वाइन और एज पर नीड, इनको जरूरत होगी और जब तक कोई रेगुलर नहीं आ जाता तब तक जो है आप लोग यहाँ पर बने रहेंगे। और अभी रेगुलर वैकेंसी जो है आने में समय है। मैक्सिमम एज ऑफ कैंडिडेट फॉर ऑल द पोस्ट वुड बी 65 ईयर। 65 साल तक जो है उम्र यहाँ पर रखी गई है। इंग्लिश हिंदी दोनों ही भाषाएं यहाँ पर चलेंगी क्योंकि स्टूडेंट्स जो है हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में यहाँ पर पढ़ते हैं। आगे दोबारा से जो है नोटिफिकेशन दे दिया गया है और जिसमें क्वालिफिकेशन है कि इसमें फिजिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इसमें जो है आप लोगों ने 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट किया हो, बीएड कंपलसरी है, हिंदी इंग्लिश में पढ़ाना होगा, एसएसटी और इंग्लिश के लिए कहा है। यहाँ पर आप लोगों के पास ग्रेजुएशन प्लस बीएड, ग्रेजुएशन में जो है 50% मार्क्स जो है वो मांगे जाते हैं। इसके अलावा टीजीटी एसएसटी के लिए इन्होंने कहा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इसमें से एक सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी होना ही चाहिए। बीएड मांगा गया है, सीटेट पास होना चाहिए, सीटेट पेपर 2 जो है एलिजिबल रहेंगे। पीआरटी में इन्होंने कहा है कि यहाँ पर बीएड वाले तो अब बाहर कर दिए हैं, तो जेबीटी, बीलेड या डीलेड वाले 12th के साथ 50% मार्क्स और सीटेट पेपर 1 आपका क्वालिफाई होना चाहिए। 26 सितंबर को 8 से 9 बजे के बीच में जो है रजिस्ट्रेशन होगा और इंटरव्यू भी उसी दिन ही होगा।
तो जितने भी छत्तीसगढ़ राज्य के स्टूडेंट हैं या आसपास के जो भी स्टूडेंट हैं, क्योंकि देखिए अभी जो है आप लोग अगर जाना चाहें इंटरव्यू के लिए तो बिल्कुल पहुंचा जा सकता है, ठीक है। क्योंकि अगर आपको जो है अर्न करना है और आप लोग बेरोजगार हैं और अच्छी सैलरी के साथ केंद्रीय विद्यालय में जाना चाहते हैं, क्वालिफिकेशन भी आपकी है, तो बिल्कुल आपको जाना चाहिए। परमानेंट वैकेंसी आती है तो बिल्कुल उसके लिए भी आप रेडी रहें। और एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपको कहाँ मिलेगा, तो जो नोटिफिकेशन मैंने आपको दिखाया है उसको नीचे तक देखेंगे तो यहीं पर आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म, इसे ही आप लोग जो है डाउनलोड करेंगे। तो चलिए, आपको सही लगा हो और आपका अगर कोई भी फ्रेंड्स या रिलेटिव जो है यहाँ पर पहुँच सकते हैं, जा सकते हैं और उनको जॉब करनी है, ज़रूरत है, तो उनको भी जो है प्लीज़ बताएं, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि पहली बार देख रहे हैं, और बेल बटन ज़रूर प्रेस करें, तभी आप लोगों को जितने भी वीडियो बनते हैं तो उनका नोटिफिकेशन समय पर मिल पाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।